सुनो क्या कहते हैं। है अगर छोटा होगा तभी किसी की बात सुनेगा। जो पहले अहंकार में भरा पड़ा है कि मैं सब कुछ जानता हूं, उसने सुनना ही क्या है और क्या फायदा उठाना है। सुनो पहले तो इधर लाइन पर हाफिज साहब फरमाते हैं कि जाहद अर्थात कर्मी धर्मी लोगों के अंदर कर्म धर्म का घमंड होने के कारण वे परमार्थ के रास्ते को सलामती से तय नहीं कर सके। हाँ जी। भगत जन दीनता के कारण उसकी दया के पात्र बनकर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जरा अहंकार है बस। खुदा के पास कैसे जाया जाता है, इसके बारे में सेंट अगस्टन साहब फरमाते हैं कि खुदा के रास्ते को तय करने के लिए और कौन है? अच्छा। के खुदा के रास्ते को तय करने के लिए पहली नम्रता, दूसरी नम्रता और तीसरी नम्रता की जरूरत है। पहली नम्रता तो इसलिए जरूरी है कि नम्रता से मनुष्य किसी दूसरे की बात को सुन सकता है, वरना वह अपने घमंड में किसी के पास जाना ही पसंद नहीं करता। यदि कोई मनुष्य अपने घमंड में रहे तो मैं सब कुछ जानता हूँ, तो फिर वह किसी की सुनेगा ही क्या। दूसरी नम्रता विद्या की प्राप्ति के लिए जरूरी है, बिना इसके कोई किसी बात बिना इसके कोई किसी की बात सुनकर उसको ग्रहण नहीं कर सकता। और उस बारे उसे हम सोचे वाकई ठीक है, फिर अमल करे रास्ता लेकर फिर और उस पर अमल नहीं कर सकता। तीसरी नम्रता सफलता मिल जाने पर फिर नम्रता की जरूरत है। जिस तरह फल लगने से वृक्ष की टहनियां झुककर जमीन से लग जाती है, वरना गरूर और तकबरी हमारे हाथों से उस सफलता को छीन लेते हैं। बस जरा सा कुछ देखा बस भड़क उठा बस। बाजी बोलो की कहने बाजी कहने से बोलना पहले से। हाँ जी दे भाई बाजी। हाँ गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन मंडल का तंबू तनाया, धन गले चाडारी हो, चांद सूरज दो मसाल बना दिया, चांद सूरज दो मसाल बना दिया, तारों की फुलवाड़ी हो, आप दारमदारी दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारमदारी। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, आप बना खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाली हो, आप दा
रमदारे। कहते हैं कि गुरु बगैर मुक्ति नहीं, छुटकारा नहीं, गुरु से दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया भरी पड़ी है, एक एक गांव में कितने कितने गुरु हैं, इतने चेले नहीं जितने गुरु हैं, इसको मुक्ति मिली, छुटकारा हुआ, कोई शांति, कोई तसल्ली। सोचो ये गुरु है धर्मदारी, जिसने सारा खेल किया है, चांद सूरज बनाया, काल ऋषि ने बनाया है। कहते हैं तीन लोग और चरण हमने इस गोबर का राज सबको खा गया, ये बचाने वाला है, बाहर के नहीं, ये बचाने वाला है, बाकी नहीं, इसको प्रगट करता है। कहां रहता है तो सब लिखते हैं, सुन हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। सत्य कहा है, चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा, त्रिलोकी तक काल का दरा है। वो सतगुरु चौथे लोक में रहता है, वो मुक्ति वाला है। सोच वैसे सबने गुरु किए, श्रीमी ऋषि ने 88,000 साल तक किया, पौन हरी दत्त एक दफा जी मारता था, किसी गुरु ने सिखाया मन ने मार दिया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मैन कपरी पे मारा गया, आखिर गुरु ने सिखाया किसी ने। मच्छंद्र इस देह से निकल जाता था, इस देह से निकल जाता था, आत्मा त्रिशूल में कैद है, पहले कारण शरीर है, उसके साथ हम कारण मंडल में काम कर सकते हैं, उसके सूक्ष्म शरीर है, वहां सूक्ष्म मंडल में काम कर सकते हैं, जहां देवी देवते जिन्न भूत वगैरह उनके दो शरीर हैं, उसके प्रिय शरीर है स्थूल, इस दुनिया में काम करने के लिए इस देह से निकल जाता है, उसको बिना मिली चीज किसी गुरु ने सिखाया, फिर भी मन ने ख्याल किया विषय भोगे राजपट करें, किसी राजे का ध्यान हुआ, अपनी रूह को जिस्म से निकाल कर उसके जिस्म में प्रवेश करके विषय भोगे राजपट किया, मन ने मार दिया, मन भी काबू ना आया। सोच लो ये गुरु है, इसको जब तक इसको प्रकट नहीं करते जब तक छुटकारा नहीं, चौथे लोक में रहता है, उसका रूप क्या है, शब्द वर्ड कलाम, कलाम लाही कुदरती आवाज है, कुदरती आवाज है। कैसे है, अगर प्राइम मिनिस्टर बोले उसके बाद सब जगह फैल जाएगी, जिन अफसरों से पहले कर वो काम करने लग जाएंगे, उन्हें तो उसे देखा भी नहीं होगा, किसने काम कराया उसे हुक्म में, शब्द ने, आवाज ने, उसका रूप क्या हुआ, हुक्म शब्द ने, आवाज, इस तरह मालिक की आवाज सब जगह जरे जरे में है, उसको नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाणी कहते हैं, कुदरती आवाज है। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरदन चेला, शब्द गुरु को कीजिए बत गुरु द्वार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बटमार। ये जम्बा जी महाराज ने कहा है, शब्द गुरु सुरती धन चेला, पड़सा ने कहा धुन आने जो कहीं सो मेरा गुरुदेव, जो मालिक की जगह से धुन आवाज आ रही है वो मेरा गुरुदेव है। उन्हें देखा तसल्ली करके फिर लिखा है, गुरु का लफ्ज गिरी धातु से निकला है, जिसका मतलब शब्द, सतगुरु का मतलब सत शब्द सतलोक से आ रहा है। फकीर ने देखा आखिर बताया कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है, उसको प्रयोग करो, वो छुटकाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, जर्रे जर्रे में है, जैसे रेडियो के वाले सारे हैं, इसी तरह वो भी है, यहां रेडियो में सुनते हैं,
जिसके लिए खुशियां आए तब सुन सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है वो, उसके घर का रास्ता है। शब्द मिले तो हर मिले सेवे को सब था है। सुर्त शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीरता देखिए बैठा पुरुषमार। ये काम करना था, सारी दुनिया बाहरी बार फिर रही है। देख लो फकीरों ने बताया, जामबाजी महाराज ने ही कहा, शब्द गुरु गुनान साहब ने ही कहा, कबीर साहब ने ही कहा, बाद में फिर के बना के बैठ जाते हैं इसी बार। असली चीज ही छोड़ दी, जब तक इसको नहीं प्रगट दी शांति नहीं। इस संतों के जरिए संत भी उसकी मेहर से मिलते हैं, उसके आगे विनती करें या सदगुरु तू मेरे अंदर बैठा मेरा भी कोई निवास कर। जो सच्चे में से पुकार करता है उसकी सुनता है। मीरा कहती थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, क्या दर्द था उसको, क्या तकलीफ थी, गहने कपड़े सुबह नौकुल चक्र सुबह हकीम डॉक्टर उसके पास, सोचो क्या कमी थी मालिक के मिलने की, फिर उस पर मेहर की, देखा वे सच्ची तरफ है। कहती मैं सब जगह भागी, कई फकीरों के पास गई, सब ठगी निकली, आखिर उदास से चीज मिली। सोच लो आखिर उदास से चीज मिली, अब मैं अमर पथ हो जा रही हूं। ये गुरु है इसको प्रकृत तब शांति है, अपनी विद्या काम देती है। इसे देख लो मास्टर के लिए जगाई जाती है, इसलिए संतों के लिए सब लिखते हैं, मैं मथीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुर को चीना। फिर हुआ ना अंदर, मैं मथीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुर को चीना। वो कहते हमने ऐसे इसको प्रकट कर, तू भी प्रकट कर भाई। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, सूक्ष्म आवाज को कैसे सुनते हैं, सारे ख्याल निकाल देते हैं, सब तरफ से हटा लेते हैं, बारीक से बारीक आवाज आए तभी सुनते हैं। इस तरह को फकीर मिले, इस सिमरन करके सारे ख्याल निकाले, ख्याल का पीछे इकट्ठा करें, यानी कहते हैं जिंदा मरना, जब चेतन की गांठ खोलना, जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती ऐसे बैठ जाते हैं, माथे पे सिर हाथ रख के सब तरफ से हटाते हैं ख्याल। उस वक्त जिसम सो जाता है, कोई विटामिन सो गई, कोई बल सो गया, अब वो काम नहीं करते, उस वक्त तवज्जो दो या दबाओ काम करने लग जाते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इसे सिमिल कर करके सारा ख्याल निकाले, देखो खाली करे, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, तब वो सुनाई देता है, यहां से रास्ता शुरू मिलता है। सिमन इसीलिए है कि सारे ख्याल निकाल दे, इसको कहते जिंदा मरना, और कब्रों में जाना नहीं। मरता मरता जगूंगा, सच्चा मुआ न कोई, दास कबीरा यूं हुआ, बहुत न मरना होए। सोच लो इसको कहते जिंदा मरना, इसको कहते जल चेतन गांठ खोलना। कहते तो हाँ जल चेतन गांठ है, किन्हें खोल ली, खोलने को जतन किया, सोचो फिर कैसे सुने। ये है जमीन रूप ताकत, जर्रे जर्रे में शब्द रूप में रमे, इसी को कहते हैं राम, रमी रूप ताकत शब्द रूप में रमे हुए है। ये काम देने वाला अपनी विद्या ने काम देना है, जितनी पढ़ो रोज माता पढ़ा उतने ही, चार उतने ही, दस उतने, मास ने तो पढ़ाना ही है, ये पढ़ेगा तो अंदर आएगी। इसे संतों के जरिए इस शब्द गुरु को प्रकट किया जाता है, जितनी मेहनत करो जैसे विद्या बसने लग जाती है, ये बसने लग जाता है, काम देने लग जाता है। कैसे काम देता है, मेरा गुजार भेजा अंत बन गया, शाम भेजा हार बन गया, तलाद किस मार की, ये काम देने वाला गुरु है बाकी कोई नहीं। बाहर गुरु कैसे बने थे, जैसे किसी ने डॉक्टर की, हम उसको कहते हैं डॉक्टर,
है तो हमारे जैसे ही, उस इल्म का नाम डॉक्टर है, वो इल्म नाम फिर तो नहीं। जहां वो शब्द गुरु आता है उसको गुरु कहते थे, बाद में गुरु गुरु चढ़ गए, नकली चल पड़ी, जैसे नकली डॉक्टर हैं। इतने गुरु हो गए चेले नहीं रहे। महात्मा चंद्रदास कहते गलियारे गुरु फिर था घर घर कंठी देत और काज उनको ने दिव्य गुण हेत। कन फूका गुरु जग का राम लावन और सोसो गुरु को जाने मुख दुखावन ठौर। वो सबके अंदर है, उसे जो काम लो वो करेगा। अच्छा कराओ बुरा कराओ तुम्हारा फंस हो बेशक। पेड़ पेड़ में पानी लगावे देखो। वह सब कहते हैं सदगुरु मेरा बेमोहताज, सदगुरु मेरा सच्चा साज, मेरा सदगुरु बेमोहताज है, सबके बनाने वाला है। सोचो कैसे बेमोहताज है। ये कपड़ा बनाया किसी ने, कैसे बनाया, किसने पास बोई, किसी ने चुगी, किसने बेली, किसी सूत बनाया, किसने रंग बनाया, बोलो भाई किसने बनाया, कितने हाथों से निकला, कितनों का मोहताज हुआ। सोचो कितने कारीगर लगे, कितने हथियार लगे। ये बेमोहताज सदगुरु फूलों में रंग भरता है। हरा रंग से लाया, पीला रंग से लाया, लाल रंग से लाया, कहीं गया, दिखाई तो नहीं देता। सोच लो जैसे इसके अंदर हमारे अंदर भी है, जैसे इसकी परवरिश करते हैं इसकी परवरिश करे, जैसे विद्या से पढ़ते हैं विद्या निकालते हैं, इसलिए इसको भी निकाले फिर ये भी काम देने लग जाता है। ये है काम देने वाला। मौत के वक्त इसने संभालना, किसी ने नहीं संभालना। जब मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, वो रोता है चिल्लाता है, पास बैठे को मदद कर सकते हैं। उस वक्त धर्मस्थान बाहर, भगवान गुरु बाहर, तीर्थ बाहर, कौन छिड़ा है इसको, तो खुश ना किया है? सोच लो इसको तो किसी ने खुश ना किया है? ये काम देने वाला है, इसको खुश करोगे तो सुख पाओगे, नहीं तो बस उसी तो चौसी फिर तैयार है इसके लिए। ये काम देने वाला, ये टाइम है। देवी देवते इस जन्म के लिए तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोहन करें, मनुष्य जन्म को पाए के भाषा कर करें। ये सबसे ऊंची जुनी है इसको, इसलिए इसको कहते नाम नारायण दे। अशोक मखलूक का सब जुने के सरदार। सोच लो ये वक्त है इसको पलट करने का। जो पलट कर गया सुख पाएगा, जो इसकी भक्ति करे सुख पाएगा, नहीं तो बाकी फिर चौरासी तैयार है इसके लिए। कभी गधा बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, इसे धक्के खा रहे हैं। हाँ जी हाँ फिर भी वही गुरु है, वही गुरु बस हमारा प्राण गुरु, हमारा कुल गुरु, हमारा ये गुरु। किसने संतो कहा ना माना, वो इसके अंदर है। हाँ हाँ जी या हम धर्म स्थान मत्थे टेकते हैं बस, और कुछ नहीं। चीज अंदर है फिर तो बाहर है। हाँ जी दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, राम नाम की चौपड़ मंडरई
की चौपड़ मंड रही दो पासा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोनर सुगड़ खिलाड़ी हो आपे दारमदारी। राम नाम की चौपड़ मंड रही दो पासा जग सारी हो, कैसे आपको गवर्नमेंट ने बिजली दे दी, करंट आ रही है, उसे बल्ब जला लो सुख ले लो, ट्यूब जला सुख लो, हीटर चला सुख ले लो, पंखे चला लो सुख ले लो, कारखाने चला लो सुख ले लो, ठीक है। अगर हाथ लगाए हैं, अगर हाथ लगाए हैं सड़गी ही काम तो दोनों की है, वो करंट सबके अंदर है। जब मरता सुर कहते हैं ना राम निकल गया, बुद्धि करंट निकल गई, खत्म हो गई, फिर तो काम नहीं। इस करंट से काम लेना था, हमने उसको लगाया, काम क्रोध लोभ अहंकार पे इसके काम कर रहे हैं, इसलिए सड़ रहे हैं, या काम का या क्रोध का या लोभ का या मोह का या अहंकार का, देख लो इसी यही काम कर रहे हैं, इसलिए सड़ रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं। अगर शीत सीमा संतोष तीर्थ विवेक दीन तरह गरीबी पे लगाए कुछ शांति आ जाए, फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, किसी रूई का, किसी प्लास्टिक का, किसी जूतियों का, किसी कपड़े का, बगैर करने तो नहीं चलता। जो भक्ति करो, कृष्ण भगवान ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता भूतों के पास जाता है, पितरों करता पितरों के पास जाता है, देवी देवताओं करता उनके पास जाता है, लिखा ना लिखा है, छुटकारा करना हुआ। अगर हमें कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़े जिस तरफ से आ रहे चल पड़े हैं, तो कहां पहुंचेंगे, हेडक्वार्टर पे, फिर जो मर्जी करो। इसी तरह को फकीर ऐसा मिले वो शब्द की नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, ये ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, सिम कर करके उस करंट को पकड़े, वो सीधी सड़क है जिनैली सड़क है मलिक दुर्गा में पहुंच जाए, जो मर्जी कर लो। नरकों में जाना है खुशी भोगो, भूत बनना तो वो बन लो, पितृ बनना तो वो कर लो, देवी देवते बनना तो वो कर लो, छुटकारा करना तो ये कर लो, सारी दुकानें खुली जो मर्जी कर लो, देख लो। जो काल फकीर है उन्होंने यही कहा, शब्द गुरु तेरे अंदर है उसको पकड़, यहाँ आए तो पकड़े, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, जल चेतन का खोल ले, सोच लो ये काम करना था, ये कर गया छुटकारा कर गया, नहीं तो फिर इसी धक्के खाता है, बाद में कौन मजबूत बन जाता है, वो कहता हमारा बड़ा, वो कहता हमारा बड़ा, धक्के सारे खा रहे हैं, छुटकारा किसी का भी ना हुआ, दुनिया डाल ली उल्टी। अगर उसको प्रकट कर ले फिर देखता सबके अंदर है, फिर देखता सबके अंदर है, फिर दूरी निकल जाती है। देख लो भाई, ये काम करना था, कर राम नाम की चौपड़ मंड रही दो पासा जग सारी, जो मर्जी कर लो। हाँ हाँ जी, जितने श्वास हमारे कीमती श्वास है, कीमती जन्म है, जितने श्वास हैं, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध खा गया, कुछ लोभ खा गया, कुछ मोह खा गया, कुछ अहंकार खा गया, कीमती चीज मिली सी, एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है, त्रिलोक की जितनी, बोलो। कहता हूं कह जात हूं कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता तीन लोग का मोल, कदर है किसी को, 10 रुपया गिर जाए फिक्र लग जाता है, 10 रुपया गिर जाए फिक्र लग जाता, कहां गिरे, कैसे हुआ, ये हुआ वो, सारा दिन कई दिन चिंता नहीं जाती। 24,000 श्वास, 24,000 त्रिलोकियां गुम करता रोज के, होश ही नहीं किसी को, देख लो भाई, ख्याल है भी कीमती श्वास है, गुम कर रहा हूं,
काम भी नहीं होता बगैर काम के, सब कुछ है, फिर कोई ताशी खेलता है, कुछ करता है, कुछ का सब बात ही नहीं। देख लो भाई ऐसे श्वास को करते हैं, एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी जितनी, बोलो भाई देख लो कितने श्वास कितने त्रिलोकी गुम की। ये हमारा हाल है, फकीर आते हैं इसीलिए कि चल अंदर खजाना तेरे अंदर, सब कुछ इसके अंदर रखा, कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो। जिनको पूछते हैं वो भी इसके अंदर ही है। अब तो अंदर धुन अंधेरा, कुछ जानने का जाना नहारा, या घट भीतर बन और बस्त यही में झाड़ पहारा, या घट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन आ रहा, या घट भीतर सूरज चंदा यही में नौ लगता रहा। ब्रह्मन ने लिखा है मैंने चांद तारे देखे हैं, मोहम्मद साहब ने लिखा है मैं चांद के दो टुकड़े किए हैं, हमने कहा मैंने चांद तारा देखा है, गुलाम साहब ने लिखा है तारा चढ़ा लम्मा कोई नजर नहीं आ राम। सोच लो या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा, वो देवी देवते भी इसके अंदर है। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया देवी देवते अंदर तो है। सोच लो या घट भीतर आना बाजे घर से अमृत धारा अमृत वर्ष रहे इसके अंदर। देख लो तीन लोग है यही में सृजन आ रहा, कह कि सुनो अब यही में गुरु हमारा, ये सबसे बड़ी ताकत है इसको प्रकट करना। बाकी सब नीचे के दर्जे की भक्ति है, बाकी सब नीचे दर्जे की, ये सबसे ऊंची भक्ति है शब्द गुरु की। पक्षी का फल है कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया ठीक है, कोई पटवारी बनता है, कोई तहसीलदार बनता है, कोई कुछ बनता है, अंदर भी इसी तरह है। फकीर से मिलकर यहाँ आए हैं तो यहाँ भी धोखे, वो सब जिन फकीरों से काम लेता है उसी रूप में आकर मिलता है, फिर असली चीज पकड़ाते हैं यहां से। जैसे पहले मास्टर प्राइमरी पढ़ाता है फिर मिडिल कराता है फिर ऐसे ऐसे ही है। हाँ हाँ जी सकलता जी पलटू साहब लिखते हैं सकलता गुरु से ही ध्यान लगाए हो। हाँ गुरु से ही ध्यान लगाए हो। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजे हो नाम मूर्त चित ले हो। हाँ वो आप ही 84 सेकंड निकले, हमें कैसे निकलेंगे। भगवान ने लिखा है कि हे जो ये जो कीड़ा जा रहा है ये केदार सुर्ग राजेंद्र बना, केदार शिशि का कर ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है। सोच लो भाई। हाँ हाँ जी जो प्यारा मोरे घटमा बसत है वाही को माथ नवे हो, ना काशी में करवत ले हो ना पचकोस में जय हो। हाँ तीर्थों पे जाते हैं मैं साफ हुई काम घटा क्रोध घटा लोभ घटा मोह घटा, असली तीर्थ इसके अंदर आया है। अर्ष तीर्थ घटी बीते बाहर लोकाचारी, जम्बजी महाराज ने लिखा है लोकाचारी में सारी दुनिया फंसी पड़ी है। अर्ष तीर तो लिखे बाहर क्यों भटकाया, चंदा सिंह कहता है उल्टा हुए घटाए, वो अमृतसर इसके अंदर है, वो प्राग इसके अंदर है। प्राग पे जाते हैं तीन नदियों के संगम है, ये नमूना असली अंदर है। ईड़ा पिंगला और सुखमना तीन वर्ष की ठाई बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन कर उसमें कब नहाओगे, ये नमूनों में फलसा पड़ा है। बाहर के काल ने बाहरी बाहर बनवा दिया, वो तीर्थ इसके अंदर है, वो प्राग इसके अंदर है, अमृतसर इसके अंदर है। मीरा कहती है काशी मथुरा मैंने अंदर देखी है। हाँ फिर तो बाहर आया कैसे मिले चीज। प्राग जाए के लिए बैठे भक्ति के। हाँ प्राग जाए तीर्थ न कर हो जगर न शीश कटे हो, अजप्पा और अनाहु साधु तिरगुट्टी ध्यान न ले हो,
पदम आसन खींच न बैठो अनद नाद बजे हो। सभी जाप छोड़ के साधो गुरु का सिमरन ले। वो सिमरन करे, ख्याल को यहाँ इकट्ठा करे, फिर सदगुरु उसी रूप में आता है जिन फकीरों से काम लेता है, फिर इसको पकड़ाते ये शब्द तेरे घर का रास्ते हैं, भी नेको शब्द है। रेडियो में कितनी आवाजें हैं, कलकत्ता, बम्बई, इंग्लैंड सारी हैं, अंदर भी ब्रह्म लोग, शिव लोग, इंद्र लोग सबकी है, सचखंड नामी की सबकी है। वो पकड़ाता है, पकड़ भाई ये तुम्हारे घर का रास्ता है, ये काम करना था कर। हाँ जी, गुरमूर्त हृदय में छाई वहीं से ध्यान लगे हो, दुई खुदी हस्ती जब मेटे निरंकार कहले हो, गगन भूमि में राज हमारो। दुई खुदी जब मेटे है, दुई बढ़ेगी, मैं फलाना मैं फलाना मैं फलाना, रीत बना दी बाद में, फकीरों ने बनाई, फकीरों के दे की तालीम है, चल अंदर शब्द गुरु को प्रकट कर बस। दुई खुदी हस्ती जब मेटे निरंकार कह ले हो, गगन भूमि में राज हमारो अनलैक धूम मचे हो, पलटू दास प्रेम की बाजी गुरु ही से दाव लगे हो। प्रेम की बाजी है, प्रेम हो तो करे, दुनिया में कितना हरेक काम में प्रेम की जरूरत है, प्रेम चीज है, प्रेम से पुकारे फिर मालिक मेहर करता है, फिर कोई फकीर मिलाता है, फिर प्रेम से भजन करे, प्रेम बराबर योगना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधु हुआ सभी थोथा ध्यान, प्रेम छिड़ावे जगत को, प्रेम लावे राम, प्रेम कर गात और ही ले पहुंचे धाम, जैसे मीरा ने किया, राजी को भी कह दिया तेरी मेरी न सरी चलो। इसका नाम प्रेम है, तेरी मेरी भी ना सरी, देख लो ये लेने देने भी खत्म करने, घर बार नहीं छोड़ाते फकीर, जब तक लेने देने खत्म नहीं आगे भी नहीं जा सकता, ये भी खत्म करने है, कर्म भी खत्म करने हैं, लगा रहे, रहने का तरीका क्या है, फकीर लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी नहीं। सोचो मैं, जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टावक्र ने कहा ज्ञान की दक्षिणा भी होती है क्या, कि तन मन और धन, कहना मैं देने को तैयार हूं कि मुश्किल है कि नहीं, संकल्प करते संकल्प कर दिया, ऐतन मेरा है कि जी हाँ, या जूतियों में बैठ जा, राजे का जूतियों में बैठना रैयत के सामने कोई आसान है, बैठ गया वाकई ठीक है, फिर उसका ख्याल मेलों में जाए, खजानों में जाए, कहते मेरे हैं खजाने मेरे हैं कि जी हाँ, इस तरह ख्याल न ला, कह वाकई ठीक है, अब मन संकल्प कल्प उठाता है कि मन मेरा है कि जी हाँ, इसे संकल्प कल्पना उठा, वाकई ठीक है, उसने जब ये सबसे मुश्किल काम बड़ी मुश्किल से रोका, रूह अंदर चली गई, सिम कर करके रूह अंदर चली गई, पूछा ज्ञान हो गया जी, हो गया, कोई कसर नहीं है, संभाल अपना तन मन धन, उन्होंने क्या करना, अपने तन के लिए कितने बंदोबस्त करते, प्राय लेकर क्या करेंगे, अपना मन काबू नहीं आता, कितने जतन किए, प्राय लेकर क्या करेंगे, उनके पास वो ध्यान है जो कभी खत्म ना हो पाया, रे मैंने नाम रत्न नंद पाया, जिसको पाया दुख सुख भूले, मन आनंद रे समाया, जिसकी चोरी कब ना हो गया, ऐसे धन मैंने पाया, खर्चु लाख दिन वर्ष हुआ, अपना तन मन धन, अपना न समझना, सेवादार बन के काम करना, सतगुरु का समझना, क्या लिया क्या छोड़ा, रहने का यही तरीका है, सोचो क्या, पहले तो हमें तन का प्यार है, सारी उम्र इसी की सेवा की, इसको पाला, इसी में उलझे रहे, इससे काम लेना था, फिर क्योंकि तन का प्यार है, तन छोड़ना नहीं चाहता, बुढ़ा हो गया खुर खुर करता है, कोई अच्छी तरह सेवा नहीं करता, रोटी नहीं देता, फिर भी कहता मरू ना, बुढ़ों को देख लो, मरने का नाम तो लो,
फिर अगर माया जुड़ी है तो उस तरफ ख्याल जाएगा। मरते वक्त कहते ना अंत मता सोई गता, उस तरफ ख्याल जाता है। क्योंकि तन चाहता है माया भी चाहता है, फिर उसका जाना क्या मिलता है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सर्प जून वाल वाला सांप बना के बिठा दिया। यही महात्मा चंद्रदास ने लिखा, दिव्य जोर मर जाए तब वो बैठे नाग, नारी में चित्र है होएगा कुकर काग। अभी लड़कों में ख्याल आ गया, अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जब मरे शुक्र जून वाल वाला सूर की जूनी, तन छुट्टे सुत में रहे एक नर तेरी आस, जन जो शुक्र को लहे मोरे नरक निवास। सोच लो तन मकानों में रह गया, जमीनों में रह गया, अंतकाल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे प्रे जून बर बर उतरे, घर घर में बाबे की मड़ियां खेतों में मड़ी हैं, इसे धक्के खा रहा है। देख लो भाई रहने का तरीका क्या है। लड़का बच्चा पैदा होगा, लड़का या लड़की उसकी मौज, बीमार हो गया उसकी मौज, राजी हो गया उसकी मौज, मर गया उसकी मौज, थोड़ा दे दिया उसकी मौज, कम दे दिया उसकी मौज, ये रहने का तरीका है। हाय हाय लगी पड़ी ऐसी, हाय हाय लगी पड़ी है, मिलना वही है जो किस्मत में लुहाया के लाए हैं, हाय हाय ने फंसा रखा है इसको, बस उसके पास ये, उसके पास ये, उसके पास ये, बस इसी में तड़प तड़प मर गया। सोच लो आपने से छोटों को देखे फिर कैसे गुजारा, कैसे शांति आते, नहीं तो शांति नहीं किसी, ये अशांति लेने का तरीका उसकी रजा में रहे। हकलाल का कमाक खाए, साथ अभ्यास करे, किसी फकीर से पूछ कर अंदर जाए, शब्द गुरु पर करने का जतन करे, रुकावटें पड़नी है, घर बार के काम भी करने हैं, ये लेने देने जब तक खत्म हो आजाद नहीं होता, जब तक आजाद नहीं आगे जा नहीं सकता, सारे काम करने हैं, घर बार छोड़ने से भी कुछ नहीं बनता, क्या त्यागना था उसने, त्यागना त्यागन निका काम क्यों लोगों का त्यागना, ये त्यागना था। राजा जड़पत घर पार छोड़ के जंगलों में गया, अब जब तक रस ना आए कोई साथी मांगता है, किसी दरख्त के पास ही बैठ जाए, पशु के पास ही बैठ जाए, कोई आदमी मेरे उसी के पास बैठ जाएगा। एक मिर्गनी आने लगी, मिर्गनी से प्यार पड़ गया, मिर्गनी मर गई, उसके वियोग में मर गया, मिर्गी जूनी मिली, क्या फायदा हुआ। सोच लो ये रहने का तरीका, उसकी मौज में रहे माल के जैसी तेरी मौज, पर छुटकारा कर मेरा बंदोस, बस ये रहने का तरीका, ये है धर्मदारी सतगुरु, ये है काम देने वाला, ये है छुड़ाने वाला, ये है मुक्ति देने वाला, बाकी सब ठगी। हाँ जी ठेके लिए बैठे सब, पलटू दास परे लेते हैं, ये करता जा मुक्ति हो जाएगी, कुछ सल्ली अभी दो चार जमात नहीं पड़ा, मर के कहे हमें हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कुछ शांति कुछ सल्ली। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त नवासा, मोए मुक्त कहे गुरु स्वारथ, ये झूठा विश्वास। सोचो फकीरों ने कभी नहीं कहा ऐसे मुक्ति मिलेगी, वो कहते मेहनत करनी पड़ेगी, सबने मेहनत की है, कोई काम बिना मेहनत होता है, खेती मेहनत से और काम भी मेहनत से, तो भक्ति आसान है। सोच लो ठीक ही मिले, मेहनत करे थोड़ा थोड़ा भी करे कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है। हाँ जी ये धर्मदारी सब, और ये अलग है काल का महकमा अलग है, जो इस महकमे में आ जाता है उसको छोड़ता नहीं, फिर कोर्स रूल लंबा है कि चाहे कितने जन्म लग जाए छोड़ता नहीं। धर्मदास 8 जन्मों में गया, कोई सेंटर का मुलाजम हो
ये तो हरियाणा है ना, सूबा सोचो, सूबे का मुलाजम अलग गए, सेंटर के अलग गए, सेंटर का चपरासी भी हो गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन हरियाणा वाले तो कुछ नहीं कर सकते है। अरे इस महकमे में आज दारमदारी के कोई ऐसा फकीर मिल जाए, इस महकमे में आई काल कुछ नहीं कर सकते, उसके नजदीक नहीं आता, लेने देने जरूर खत्म करने पड़ते हैं। ये अलग ही महकमा है, ये है मुक्ति वाला दारमदारी, ये असली सतगुरु। हाँ हाँ जी, इसकी निशानी क्या है? जैसे अफसर भर्ती करने आते हैं, वो भर्ती करने आते हैं, उस फकीर की निशानी क्या है? उसके चिताए जीव, कोई विरला ही तकलीफ से जाएगा, अगर वैसे तकलीफ आएगी तो सब कटवा लेता कर्म, मौत के वक्त आराम से जाएगा, उसके चेहरे पे खुशी होगी, जिसम नहीं जल्दी अकड़ता। आम लोगों को देखो मरते, टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, जिसम अकड़ जाता है, देख लो ठीक फकीर है, ये नहीं होगा, मौत के बाद जरूर संभाल होगी। कम में मज में हिंदू हो मुसलमान हो, सिख कोई स्कूल खुलता है तो हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे जाते हैं, माश भी ऐसे होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये है, बाद में कौन बजे बने हैं। हाँ हाँ जी, समस्त अप्रेस साहब अभ्यासी की मृत्यु के समय मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, बाखबर मरते हैं। हाँ। उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है, वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं, मुर्शद उनकी गुप्त आँख खोल देता है और मुर्शदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरुमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शद वाले लोगों की जान ख्वार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सतगुरु उनके सामने होता है, उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी, खुशी से जाते हैं वो। है, कोई कमी की बात आ जाए चेहरा मुरझा जाता है, खुशी की चेहरा खिल जाता है, जब काल आता है, जब दूत आते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है, बुरा हाल होता है, जब सतगुरु आता है उसके अंदर खुशी हो जाती है, चेहरा खिल जाता है। हाँ हाँ जी, उनका सबसे मोह टूट जाता है, माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह देखना भी नहीं चाहती, बच्चे का मुंह बेमतलब के। हाँ हाँ, माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहते, इसको परे ले जाओ बस। हाय हाय, उनके दिल में कोई डर या चिंता फिकर नहीं होता, उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न मलमूत्र निकलता है, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और न ही वह काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा वह तेजस्वी होता है, उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता, काल व उसके दूत उनके समीप नहीं फटकते, बल्कि अगर कहीं आ भी जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देते हैं। किसी ताकत है जिन्हें तो भगा दे है? उनको है जो भजन करते हैं ठीक दारमदारी का, उनके नजदीक नहीं आता। हाँ हाँ जी, तुलसी साहब लिखते हैं, जो कोई संत शरण के दागी तिनते काल दूर होए भागी, जमकी जाल निकट नहीं आवे मार्ग छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास यमदूत नहीं फटकते, वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। वो मैक में अलग गया। हाँ, हाँ जी, जिना सतगुर से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न होवे ना ओ दुख सहाय। फिर फरमाते हैं
जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है, वहाँ संतों की चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है। स्वागत करता है, है, है। ठीक फकीरों के प्रेमी को देखो मरते कैसे जाते हैं। हाँ जी, और उनको नमस्कार करता है। पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, नानक ज्यो मथन मधानिया त्यो मथे तरम राय। नाम ते आयन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक तरम ऐसे चवे कितो पवन पुनीत। यदि किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पूर्व सतगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है, परंतु मृत्यु के समय जीव खुशी खुशी जाता है। ये निशानी है, अगली निशानी है, फिर ठीक फकीर है, नहीं तो बस कोई बिरला बेशक का खराब मुंह हो, कुछ ने कोई ऐसे गुना कर लिया हो, नहीं ऐसे जाएंगे सब, थोड़ा भी करता तब भी ऐसे जाएंगे, सूर ठीक हो। हाँ, हाँ जी। जग सारी हो जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सोनर सुगड़ खिलारी हो आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलारी हो आपे दारमदारी। सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुन अटारी हो जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिनका जगत बेखारी हो आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलारी हो आपे दारमदारी। इनका अमर सिंह, अमर सिंह हाँ गया, अच्छा हाँ? अच्छा उसका भतीजा था ना वो, वहाँ वहाँ भेजा था, चोला छोड़ गया था, जिस वक्त नहाने लगे चौंकड़ी मार के बैठ गया, बोलो देख लो पूछ लो उससे। हाँ ये है जल्द जिसने अखड़ता नड़ाओ उसी तरह कपड़े पहन लो, उसी तरह उतार दो उसी तरह पहन लो, ये खास में ये निशानी है खास, सिमरन करो जल्दी पहुंचोगे ने की जन्म लग जाते, पर छोड़ता नहीं है महकमा। तो भतीजा था ना वो, हाँ फिर कैसे देख ले उस चौड़ी मार के बैठ गया ना, बस देख लो मरा हुआ, एक दिन पहले 4 बजे मरा है, अगले दिन 4 बजे संस्कार किया है, संस्कार ही नहीं किए तो दुआई दे शायद इसकी कोई समाधि बनानी पड़े। देख लो भाई ये निशानी है, भजनी असली भजनी ये है, धर्मदारी आहो राम कुमार का पूछो, नाम भी नहीं लिया था, हाँ अगले दिन खड़ा कर दिया वो, जिस वक्त उसने चोला छोड़ा था एक महीना पहले उसके पास आ गया, वो कहता मैं नहीं रखता, दूसरे लड़के के पास था, वो खाते पीते थे ये भजन करता था,
कहते ना मेरे छुटकारा यहां होगा। रात को 9 बजे बता दिया कल तैयार है ना, पहले खा पी लेना है। फिर उन्होंने प्रेमी इकट्ठे किए, ऐसे इसको खड़ा कर दो, खड़ा कर दिया। कह पहले हट जाओ, खड़ा रहा ये कुछ नांगर का है। ये है, हाँ जी, ये दारमदारी सतगुरु की भक्ति है, ये काम देने वाला है जो सबके अंदर है। संतों को सिर्फ जगाया जाता है। अभी सुनाया था तो सब लिखा है, मैं मतहीन दीन दल दीना संत शरण सतगुरु को चीनना है। वो सतगुरु अंदर है, बाहर ना गुरु हुआ ना होना है। सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सोने अटारी हो, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत बेकारी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, आपे दारमदारी अंग्रेजा मेरा मेरा अंदर। देख लिया ना, अंदर देख लिया, हमने देखा नहीं। देखो दर्शन करो दिन राति, ये काम करना था कर। किसने ग्रंथ पढ़े, किसने कुछ शास्त्र पढ़े, किसने कुछ पढ़ा, किसने कुछ बातें बातें, बस अंदर देखे किसी दिन ना। हाँ जी, मारो पिया मारे घट में बसते हैं, मारो पिया घट में बसते हैं, दर्शन करो दिन रात।
पैसे भी खर्चते हैं। देखो भाई, पैसे भी खर्चते हैं, तकलीफ भी उठाते हैं, फिर भी कुछ ना बना। ये मेहनत नहीं करता अंदर गंगा जमुना बैठी है, कैसे सारे दिन पर रात गात नाती हूं। सोच लो, देख ली ना उसने गंगा जमुना अंदर है, फिर लिखा है बाहर नमूना में फांसी पड़ी सारी दुनिया बस। हाँ, वो अमृतसर इसके अंदर है, वो प्राग इसके अंदर है, गंगा जमुना इसके अंदर है। हाँ जी, नाम की शराब इसके अंदर है। अरे पीने मस्ती मस्ती है। हाँ, फिर तो बाहर है, वहां पैसे भी खर्चता है, किराया खर्चता है, नहाके आता है। क्या बना, मेहनत करे अंदर सब कुछ मिल जाए, चीज भी मिल जाए, माल भी मिल जाए, मस्ती भी आ जाए। हाँ जी, मैं
जिन्होंने मस्ती पी क्या कहते हैं हाय हाय साफ फरमाते हैं कि मेरे अंदर प्रेम की शराब की इतनी मस्ती है कि यदि मैं जोश में आकर मस्ताना वार एक नारा लगा दूं तो दीन और दुनिया भाव दोनों आलमों को मस्त कर दूं हाय हाय फिर फरमाते हैं कि मेरे अंदर प्रेम की इतनी मस्ती है कि यदि मेरे शरीर की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए और इस जमीन से गेहूं पैदा हो उस गेहूं की रोटी खाने वाले तो एक तरफ रहे उस रोटी के बनाने वाले और उस रोटी को खाने के लिए दस्तरखान बिछाने वाले तक भी मस्त और दीवाने बन जाए है, है। तभी फकीरों के पास जाते थे वहाँ खुशी मिलती थी हाँ। और जिस तंदूर में बातें सुनते हैं फलाने ये किया फलाने ये किया उसके पास ही मस्ती थी खुद तो मैं निकाली बातों में रह गए पढ़ने में रह गए सारी दुनिया हाँ। और जिस तंदूर में वो रोटी पकाई जाए वह मस्तानगी का घर बन जाए हाँ। फिर अफसोस करते हुए फरमाते हैं कि इस गुप्त भेद को खोलने का नियम नहीं हाँ। नहीं तो दुनिया में कोई भी काफर न रहे कहते हम लेकिन मुसान जी कहते वक्त कह देते थे कि दिल तो करता सबको उड़ा के ले जाए पर मन का हुक्म नहीं हाँ? देख लो भाई इतनी मस्ती इसके अंदर है हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो जो निकाले सबके अंदर डॉक्टरी कह लो सबके इंजीनियरिंग है सबके अंदर सारे कोर्स हैं ये भी है जो निकाले हाँ जी हाँ बोल भाई फटीरो हाँ जी तो दो चार महीने बैठ के देखे अच्छी तरह दिले काम भी करे दो चार घंटे बैठ के देखे इसको पता लग जाता अंदर कोई मस्ती है सब भूखे मिट जाती हैं शांति आने लगती है हाँ हाँ जी भतीजा था ना वो कोई चीज मिले ना मिले परवाह ही नहीं थी भूखा तो भूखा ही सही परवाह ही नहीं थी किस चीज की ऐसा देख लो हाँ कमाल किया उसने हाँ कैसे पाया उसने हाँ राम राम जपे हाँ जो
और सिमरन बताया उसको रविदास ने, उसे खूब डटा। क्या कहती है? हाँ। मीरा रो मान राम ही राम रहे, दासी रो मान राम ही राम रहे, राम जी रटे कोई भगवान रटे, मीरा रो मान राम ही राम रहे, दासी रो मान राम ही राम रहे। राम नाम तू जप ले प्राणी, राम नाम जप ले प्राणी, कोटि के पाप कटे, सिमरन करने से पाप निकलते हैं, ख्याल निकलते हैं, मन की मेहनत साफ होती है, ये गुनाह संग लिखा है, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद में समाए, सिमरन नाम के लिए सब काटे, धर्म रह के कागर फाटे, धर्म रह के लिखे भी खत्म होने लगते हैं। वो भी कहती है क्या? जन्म जन्म की खता पुरानी, जन्म जन्म की खता पुरानी, इस जन्म में हमारा कितने आदमी से तलक पड़ा होगा, किसी को खिलाया, किसे खाया, किसी को गालियां दी, किसी गालियां खाई, सोच रहा हूं, किसे प्रेम किया, किसे प्रेम लिया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, लेके कब खत्म होंगे, सोच रहा हूं। दर्शन से पूछा गया तो अंधा क्यों हुआ है, कहने लगा मुझे 100 जन्म का पिछले का पता, कोई कर्म ऐसा नहीं जिससे अंधा हूं। जब कृष्ण बाल तो जो दे, फिर पता चला 106 जन्म पीछे को कर्म किया था, उसका बदला आज भुगत रहा है, इतने लिखे पड़े हैं इसके, चित्रम स्टोर पड़ा है। वो भी इससे खत्म होने लगते हैं, अगर ठीक से मनो वो भी साफ होने लगते हैं। क्या कहते हैं? जन्म जन्म की खता प्राणी। हाँ। जन्म जन्म की खता पुरानी, नाम हीरे पे फटे, नाम हीरे पे फटे रे मीरा रो मान राम ही राम रे। जब कर्म खत्म हुए, रूह अंदर जाने लगी, फिर हाँ। कनक कटोरे अमृत भरे ओ, कनक कटोरे अमृत भरे ओ, पीवा पिकार नटे, उस लगे तो कौन छोड़े, आए आए। बस मस्ती शुरू हो गई, फिर आगे से आगे और बढ़ती जाती है। कृष्ण साहब ने कहा है, तेरी कायरेल मस्त पीले रे नाम की बुट्टी, अखिल कहते हैं ब्रह्म पी, विष्णु पी और पी शक्ति, दास कबीरे ऐसी पी अवागम छुटकी, पिया तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ हासिल किया है, तभी उनकी पूजा है, पटवारी की पूजा है, तहसीलदार की पूजा है, सब किया है, लेकिन मैंने ऐसा पिया है, मेरा अवगम से चक्कर मिट गया, उनका नहीं मिटा है? वो वहां तक पहुंचे, यहां से शुरू हो जाता है मालिक काम, ये लज्जत भी ले दुनिया के बादशाही को लात मारे, ऐसी लज्जत इसके अंदर है, ऐसा खजाना इसके अंदर है। हाँ हाँ जी हाँ।
के भागों वाले रटे है। हाँ राम जी रटे, राम जी रटे कोई भगवान रटे, मीरा रोमन राम ही राम रटे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तन मन काई पटे, तन मन काई पटे रे, मीरा नो मन राम ही राम रटे। जब पालिया तन मन था सटे, खुशी 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 खुशी, बस ये इसलिए खुशी है, खुशी के लिए फिर रहे हैं तो सबकी दौड़ भाग इसीलिए है कि खुशी मिले, शांति मिले। किसको मिली? माया में मिली, बादशाही में मिली, विषय विकारों में मिली, बाल बच्चों में मिली, खुशी का खजाना इसके अंदर है। बाहर भी जो हम खुशी लेते हैं वो भी इसके अंदर से निकलती है। इसको पता नहीं मिट्टी में मिला दी कैसे, हलवा खाते खुशी मिलती है ना, कोई और मिठाई बनाते खुशी मिलती है, कैसे बनती है वो, उसमें है क्या, आटा घी पानी चीनी आग का सेक और कुछ मलाल बादाम वगैरह, यही है ना। अगर तोजो से बनाओगे तो ठीक बनेगा, नहीं कच्चा रह जाएगा सड़ जाएगा। किसने बनाया? तोजो ने, ये तोजो इसने बाहर फेंक दी बस। ये तोजो का यहां इकट्ठा करे तो बस, तोजो को इकट्ठा करे तो बस, फिर खजाने हासिल कर ले। मिट्टी में मिला दिया सबने, कोई चांदरों पे चल गया, इधर कर गया, इधर कर गया, ये तवज्जो नहीं किए सारे काम। अगर इस तवज्जो को अंदर कर ले, इकट्ठी कर ले तो बस मिट्टी मिला दी इसमें, बाहर की लज़त लेगी। हाँ हाँ जी हाँ मीरा के प्रभु हरे अविनाशी, तन मन काई पटे, तन मन काई पटे रे, मीरा रो मन राम ही राम रटे, दासी रो मन राम ही राम रटे। धन धन सतगुरु तेरे, पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा है, पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा है। गगन मंडल में अमृत वर्षे, गगन मंडल में अमृत वर्षे, उन मन के घर वासा है। क्या मनाती का कहना, हमने ये चीज निकाली है जिसने लेने ले लो भाई, ये रेडी है, ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है, ये गंदम का बीज है बढ़िया है, जिसको जोर तो वही लेगा, गर्ज वाला लेता है। फकीरों ने आकर हुक्का दिया, पियो कोई रस,
गर्ज ही नहीं किसी को, कोई गर्ज वाला लेता है। देखो हुक्का दिया पियो कोई, जैसे ये मनाते फकीर भी ऐसे करते हैं, आओ भाई जिसने पीना है। सबके अंदर मुझको हंस रहे हैं। अलफे तन रब सच्चे दसरा बिच पा फकीरा चाहती हूँ, ना कर मिन्नत खास खेत तेरे अंदर आवे आती हूँ। अभियात कहो अमृत कहो कर कर में कुल भी चले अमी महाराज जाई। दादू साहब ने कहा है सबके अंदर अमृत बस रहा है, झिमझिम अमृत झिमझिम वर्ष अमृत धारा मन पीवे कोई शायद बेचारा। सब फकीर ने होका दिया चलो अमृत पियो, बाद में हमें ठेके लिए कौ में बना ली बस लड़ लड़के मर गए। उनका सिर्फ मतलब है चलो पियो चलो अपने घर है, है। सोच लो ये दुनिया के ठेके लिए बैठा है बस। हाँ मुसाफिर देखो भाई तुमने लड्डू का रस लिया, जिलेबी का लिया, अंगूरों का लिया, सेबों का लिया, ये सारे रस लिए, जो मालिक ने तुम्हारे अंदर रखा है रस वो ना लिया। हाँ जी पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा है भगन मंडल में अमृत वर्षे, भगन मंडल में अमृत वर्षे उन मन के घर वासा है। अमृत कहते किस चीज को है? अमृत वो चीज है जिसकी लज्जत लेने से मन काबू आ जाए, काम को लोकर बस में आ जाए, अंदर शांति आ जाए, हमेशा की और पर भी प्राप्त हो जाए, उसका नाम अमृत है। बाहर बना लिए कुछ मिला कुछ शांति आई, सोच लो वो शांति देने वाला अमृत इसके अंदर है। सबके अंदर बस रहा है। काया नगर ये एक नगर है, नगर है निको भी सौदा हर रस कीजिए, वो रस लेना था। सर्फ गिरने का धोखा दिए इसलिए बस बस। हाँ जी गगन मंडल में अमृत वर्षे, गगन मंडल में अमृत वर्षे उन मन के घर वासा है। सुतार धरे गुरु चरना, सुतार धरे गुरु चरना करे न तन की आसा है। तन का प्यार छोड़े विश्वकार छोड़े फिर हासिल करें, जन की तरह लोक लाज वगैरह छोड़े फिर हासिल करें, मन से मुकाबला रखें, मन को टकाए। हाँ हाँ और कोई चीज हो और कोई कटाना नहीं, हा? कोई बदलेंगे हरिजन सूर मनुआ तेरी याद नहीं, इसी आदतों को हटाना था। जब तलक विषयों से मन दूर हो जाता नहीं तब तलक साधक बेचारा सच्चा सुख पाता नहीं। जो नहीं एकाग्र कर सकता अपनी वृत्तियां उनको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। बीतियों इकट्ठा करना था, ये काम करना था, जल चीजें गांठ खोलनी थी, ख्याल को पीछे इकट्ठा करना था, कुआं खोलनी थी, फिर देख सकते अंदर क्या है। कहते शिव नेत्र है तीसरी आंख है, डिब्बे चक्षु का किसी खोलने का यत्न किया, सोच लो फिर क्या पता है? अंदर खुले आंख तो देखे,
वो आंख और है जो देखने वाली है, वो कान और है जो मालिक की आवाज को सुनने वाले, शब्द को, शब्द गुरु को। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। पढ़ते भी हैं दूसर ने लिखा है, गुनासन लिखा, अच्छी बाजो देखना बिन करना सुनना, पैर बाजू चलना बिन हथा करना, जीबा बाजू बोलना जीत मरना, नानक हुक्म पिछाण के तू सच में मिलना, फिर मालिक की प्राप्ति होती है। ये ईसा ने लिखा है, सोच लो कितनी सी आंख खुलो, आंख जिस्म का नूर है। अगर तुम्हारी आंख एक हो जाए, ये तो बाहर काम करने के लिए है, बिजली करंट है, बल्ब रहते हैं, इसमें दो लगा लेते हैं बाहर की तरफ, इसी तरह ये बाहर है, वो तीसरी अंदर जहां से इसको ताकत मिलती है वो खुल ले। एक महल दो बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत बड़ा हनुमान। ये बाहर काम करने के लिए है, तीसरी अंदर है वो देख सकती है। हाँ लिखा है, जो माले यार निकाब न धारे लो पर्दा वाले, गुब्बारे राह पर निशान ता नजर पानी कर, कि मालिक के स्वरूप पर कोई पर्दा नहीं, पर्दा तुम्हारी आंखों पे है, इस पर्दे को परे कर दो, लाइट है आप उस पर टाट डालते जाओ, लाइट बंद हो जाएगी, उठाते जाओ खुल जाएगी, रेशमी कपड़े पर डालते जाओ बंद हो जाएगी, उठाते जाओ खुल जाएगी। अच्छे बुरे कर्मों के ख्याल इसको रोके बैठे हैं, अंदर नहीं जाने देते, ये ख्याल निकाले तो आंख खुल जाए, ख्याल निकाले सीख लिए सिमरन है, सिमरन कर करके सारे ख्याल निकाले आंख खुल जाए, ये पर्दे यही पड़ते पड़े हैं बस, और कोई नहीं है। घट में सूजित नहीं लंत ऐसी जिंद, तुलसी आ संसार को भया मोतिया बिंद, मोती बिंद क्या होता है, पर्दा ही होता है, डॉक्टर पास जाते हैं, सोच लो ये ख्यालों का पर्दा पड़े हुआ है, मोतिया बिंद हुए हुआ है, वो मोतिया बिंद उतारे तब है ख्याल निकाले, फिर अंदर रोशनी हो जाए। हाँ हाँ जी, किसे सिखाया, बस ये कर ले ये कर ले, वहां चला जा मत्था टेक, बस यही सिखाया, ना खुद देखा ना किसी को बताया। अरे तब है ख्याल निकाले, फिर अंदर रोशनी हो जाए, देखा कोई चलता है। हाँ हाँ कुदरत इनके लिख के लाया विष्णु ही है। ऐसे महात्मा जो रूहानी फकीर है हर जमाने में आए हैं, हर जमाने में जुग जुग संत पले प्रभु तेरे, हर गुरु का हमें रसन से हमें मीठे और प्यारे वचन सुनाते हैं, भी ऐसी चल। और आत्म विद्या का ही प्रचार करके जीवों का कल्याण करते हैं, कम मजबूरों का नहीं, आत्म विद्या का, कम मजबूर बना के उसके ठेके लिए बैठे प्रचारक पड़े हैं। ऐसे महात्मा जिन्होंने भूख नींद व सब विकार जीत रखे हैं, दुख सुख में बराबर, पाप पुण्य से अलग, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के वश में नहीं, ऐसे महात्मा का स्वरूप हृदय में धारण करो। शब्द गुरु सूत चेला पांच संत में रहा अकेला, अड़सठ तीर्थ घटी बेतर बाहर लोका जारी। कोई मानता है, चलो मत्था टेकाओ। अड़सठ तीर्थ घट के अंदर कोई गुरमुख विरला ना आयो, कोई गुरमुख विरला
सतगुर मिलियो सतपंथ बतायो भ्रांत सुकाई, कहो नानक जिन सतगुर मिलिया ताता लेखा निबड़ा। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सो हर का होई। जीवत मरो रे जीवत मरो, जिन जीवत की विद जानी। जीवत मरो रे जीवत मरो, जिंदा मरो जल सिद्धांत खोलो। कोई विष्णु ने किया मुसान जी अमरपुर में रहते थे, वहां मैं पुरोही में रात को 3 बजे उठाए, वहां एक प्रेमी था पतराम, उसने गाया जागो साधो घूमनो मत कर नींद प्यार, जैसा सुपना है रैन का तैसा ये संसार। मुसान जी सुना कि कौन आया कि जी पतराम, फिर बोल, फिर बोला कैसे विष्णु डट करके बैठे हैं, कुछ जागा देखो किसी सुपना मानना ठीक के लिए बैठे हैं। शक्ति सुनो, शक्ति देखो पहले वाली क्यों नहीं रही, कुछ ना कुछ तो होती है कमी, फिर वही ना ना फकीरों के जरिए सीखा जाता है काम। अंदर है सब कुछ, गया नहीं फिक्र ना कर, रखा सब कुछ है, तो मेहनत करे तो मिले बस। ये कहो उन्होंने कितनी मेहनत की ना, उसने कितनी मेहनत की, फिर बस फिर मिलेगी भी क्या, ऐसी डर के बेटे डर से नहीं मिलेगा। हाय हाय, हाँ जी बोल। पताल का पानी आकाश को चढ़ाले, ले गुरु का दर्शना। दसवें द्वार ताला जड़िया में ऐसा उस्ताद, दसवां द्वार ताला कुंजी भीतर पोल बनाई। एक शब्द से तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, है गुरु न चिन्हो सतपंथ न पाया गल में पड़ी फरासू। बस ये है तालीम, चलो अंदर नहीं तो फिर चौरासी तैयार है बस, फिर नहीं तो नहीं ना करो ना करो। है है है, मन ये मन खराब करता है सबको, सबका गुरु परमेश्वर ही है, ये लगने नहीं देते इस तरफ, कहते हैं अब वो हमारे पे हुकूमत करता है। कैसे पाया जाता है, तन का घोड़ा क्यों समय लिखा है, तन का घोड़ा मन की जीना, सुरतल लगाम लगाई अपने साहब की, कौरी नौकरी बन जाओ संत सिपाही, घोड़े को खड़ा के काम लेते हैं, इस तन के घोड़े को खड़ा कर काम लेना था। अब मन हमारे पर चढ़ा है, इस पे आप बैठो, ये कहेंगे ये नहीं करना, क्या हम तो करेंगे। हाय 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 हाय, वो तो ठीक है। सुनो भाई, अच्छा सुरता है पूरी तरीके से सिमरन करो, लगाम पकड़ दिया ना, विदुर ना हो घोड़ा, ख्याल विदुर ना जाने दो, मन जो संत सिपाही, सिपाही खड़े हैं ना चौकों पे, देखते हैं भी एक्सीडेंट ना हो जाए, कितनी चुस्ती से काम करते हैं, देख लो भाई ऐसे चुस्ती से सिमरन करे फिर मिलती है चीज। कैसे थानेदार साहब ऐसे सिपाही खड़ते हैं ना, सर्दियों में खड़े हैं ऊपर पहाड़ों, देख लो सर्दियों में ये अंदर नहीं खड़ सकता, मालिक के लिए पैसे के लिए पहाड़ों पे खड़े हैं, अभी नौकरी मिल जाए इनको अभी खड़ जाएंगे। फिर चुस्त फिर तो बन जाएगा, फिर तो शक्ति आ जाएगी। सुनो सुनो भाई, एक दिन मैंने टिकते मेहनत करनी पड़ती, इसके लिए ही था है
चार दिन तो नहीं सीखता कोई। मन टिक गया फिर तो काम ही बन गया। लड़ाई तो इससे सत्य करनी है, मन न चगड़े मन न सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी क्या है वो? ओ हाँ जो भी लड़ाका सुनो, इसे लड़ाई करनी पड़ती है। हाँ साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका, साधो भाई बन जाओ वीर लड़ाका, मन में मार जीत जाओ।